एक गुरुवार को 15 अगस्त के दिन देश का 78वां स्वतंत्र दिन मनाया गया। हर साल की तरह इस साल भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ जोश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। हर साल की तरह पैराडाइज ग्रुप के माध्यम से इस साल भी खारगर के पैराडाइज ग्रुप के प्रोजेक्ट साई वर्ल्ड एम्पायर में स्वतंत्रता दिन मनाया गया, जहां साई वर्ल्ड एम्पायर के सभी लोग उपस्थित रहे। मनीष भतीजा जी ने वहां पहले अपने भाषण के माध्यम से सबको शुभेच्छा दिया, साथ ही सबके साथ बातचीत भी की और उन पर विश्वास रखने के लिए उन्होंने सभी रहीवासियों का धन्यवाद भी किया। यहाँ पर उन्होंने हर साल की तरह ध्वजारोहण भी किया। सब लोग यहाँ पर बड़े ही खुश नजर आ रहे थे। उनके साथ वहाँ पर चैनल के कई पार्टनर्स भी उपस्थित रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि साई वर्ल्ड पैराडाइज जैसे प्रोजेक्ट हमारे लिए मिसाल है। जो श्रेय है ये चैनल पार्टनर्स को जाता है जिन्होंने बहुत भरोसा किया, उन बायर्स को जाता है जिन्होंने अपनी हार्ड एंड मनी लोन लेके उस टाइम पे इस प्रोजेक्ट में डाली। साई वर्ल्ड सिटी हो, साई वर्ल्ड एम्पायर हो, साई सन सिटी हो, साई वर्ल्ड ड्रीम डोंबिवली हो, इन सब में तभी डाली जब वहाँ जमीन थी और लोगों ने जमीन के ऊपर ही पैराडाइज को हर प्रोजेक्ट में 25-30% बुकिंग दे दिया। तो ये बहुत कम बिल्डरों के नसीब में रहता है, लेकिन नसीब पे तो आ जाता है, उसको मेंटेन करने के लिए फिर इंसान को अपना कर्तव्य पूरा करना पड़ता है। कर्तव्य होता है लोगों के लिए हुए पैसे को सही जगह पे लगाना, न कि उस पैसे से गाड़ियां खरीदना, फार्म हाउसेस बनाना, फॉरेन ट्रिप करना। इन पैसों से पहले अपना फर्स्ट प्रेफरेंस होता है उस पैसे को उस प्रोजेक्ट के अंदर लगाना। और शायद कहीं ये मिसकैल्कुलेशन कहीं हो जाती होगी, लेकिन आज की इस दुनिया में रेडा आने के बाद और न्यू जनरेशन आने के बाद में ये इस टाइप की कोई गलतियाँ किसी कहीं भी नहीं हो रही है। प्रोजेक्ट टाइम पे पूरे हो रहे हैं, लोग एक दूसरे को देख के एक हेल्दी कॉम्पिटिशन कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा समय है। और स्पेशली नवी मुंबई जहाँ पर एयरपोर्ट करके 12 साल से हम मार्केटिंग करते हैं, क्योंकि घर खरीद लो एयरपोर्ट आ जाएगा, घर खरीद लो एयरपोर्ट आ जाएगा। आज किसी को बोलना नहीं पड़ता, लोग कहाँ कहाँ से लेके पैराडाइज में आ रहे हैं। अमरावती, कोल्हापुर, सातारा, पूना, दुबई, लंदन, यूके, यूएस, आज हर आदमी नवी मुंबई को फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहा है। और एनआरआई मार्केट का फर्स्ट चॉइस भी बॉम्बे हो गया है। लोगों को घर अपग्रेड करना है, टाउनशिप में रहना है, वो प्रेफर कर रहे हैं हमारी टीम बेस्ड प्रोजेक्ट को। तो ये साई वर्ल्ड एम्पायर, साई वर्ल्ड सिटी जैसे अद्भुत प्रोजेक्ट हमारी मिसाल है एक यूथ के लिए, न्यू जनरेशन के लिए। और बहुत कुछ आना अभी बाकी है, बहुत कुछ होना अभी बाकी है। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं। आप देख रहे हैं अक्षय जी भी मेरे साथ यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग वर्ल्डी से अपने घर से उठ के आए, इसलिए कि ये एक परिवार है, टीम वर्क है। तो हम बहुत ही सही समय पे, सही जगह पे हम नवी मुंबई में आज काम कर रहे हैं, जहाँ मुंबई का हर बिल्डर यहाँ पर अपना व्यवसाय बसाना चाहता है, जबकि यहाँ हम आज लीड कर रहे हैं। और उसका लीड का कारण हमारा टाइमली डिलीवरी और क्वालिटी, उसको हम लोग और अपग्रेड करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मेरा मैसेज लोगों तक पहुंचाने के लिए, हर बार मुझे कवर करने के लिए, उस पे विश्वास रखने के लिए। एंड आप सब लोगों के थ्रू मैं सबको इंडिपेंडेंट डे की शुभकामनाएं देता हूं। हैप्पी इंडिपेंडेंट डे, थैंक यू वेरी मच। ब्यूरो रिपोर्ट, टुडे भारत न्यूज़।